तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि और लग्न के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। तो आपके सामने यहाँ पर ये कुंडली प्रदर्शित हो रही है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चंद्रमा नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चंद्रमा है वो आपके राशि स्थान वाले चंद्रमा है और जो गोचर के चंद्रमा है वो इस प्रकार से आपको धनु राशि में इनको दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से ही देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ये 1 जनवरी 2022 के अनुसार तैयार कुंडली है। तो जो आप 1 जनवरी 2022 को जब देखेंगे सुबह उठकर गोचर को देखेंगे, तो आपकी कुंडली में अगर चंद्र राशि आपकी है तुला, तो इस प्रकार से गोचर दिखाई देगा, यानी ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो इस प्रकार से आपको दिखेगी। इसके अलावा जिनका तुला लग्न है उनको भी यही जो गोचर है वो दिखेगा। तो यहाँ पर जो गोचरी स्थिति रहेगी 1 जनवरी 2022 को, उसके अकॉर्डिंग केतु और मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे। सूर्य शुक्र और चंद्रमा की युति रहेगी थर्ड हाउस में, शनि और बुध की युति रहेगी फोर्थ हाउस में, गुरु रहेंगे पंचम में और राहु रहेंगे अष्टम में। तो इस प्रकार से आपका चार्ट रहेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, जो कि आपके राशि स्थान या लग्न के स्वामी हैं। तो शुक्र का जो गोचर है, शुक्र रहेंगे आपके थर्ड हाउस में धनु राशि में। धनु राशि में 1 जनवरी 2022 को शुक्र का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, आप काफ़ी अच्छी मेहनत करेंगे इस समय में, और आपका पड़ोस में कोई प्रेम संबंध है वो बन सकता है। इसके अलावा ये शुक्र ये दिखाता है कि आपके पड़ोस का वातावरण जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, माहौल काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक माहौल हो सकता है जिसको आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ ये शुक्र आपकी काम वासना में भी वृद्धि करेगा। आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए शुक्र के इस गोचर में, और शुरुआत से ही आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि आप पूरे वर्ष काफ़ी अच्छे से काम करते हुए आगे बढ़ पाएँ और अपनी लाइफ को आगे अच्छे से जी पाएँ। तो शुक्र का ये जो गोचर रहने वाला है, ये काम वासना में वृद्धि के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवलिंग दे सकता है। ट्रेवल करने के लिए आप इस समय में तैयारी करेंगे, तो हो सकता है आपकी कोई छोटी दूरी की या लंबी दूरी की ट्रेवल हो। आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप में काम करने का जो जो हम कहें कि जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो ये शुक्र का गोचर रहेगा आपके लिए धनुराशि में। उसके बाद देखिए शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश हैं और यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो जो गुप्तांग हैं उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम भी रह सकती है राहु के शुक्र के इस राशि में आपके अष्टम भाव में होने की वजह से। शुक्र का गोचर यहाँ से चेंज होगा मकर राशि में। तो मकर राशि में शुक्र का जो गोचर रहेगा 27 फरवरी से रहेगा। 27 फरवरी से आपके लिए कोई प्रॉपर्टी का अच्छा योग बन सकता है, आपके जो घर के सुख हैं उसमें वृद्धि होगी, परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, कोई ना कोई आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, साथ ही कोई प्रॉपर्टी बन सकती है, प्रॉपर्टी का योग अच्छा बन सकता है। इसके अलावा शुक्र आपको जो घर का माहौल है, वातावरण है, वो काफ़ी अच्छा देंगे। इस समय में आप अपने घर के लिए कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हो। इसके अलावा शुक्र यहाँ से 10th हाउस को भी देखेंगे, तो आप में कार्य करने की जो इच्छा है वो जागृत होगी, जॉब के लिए आप काफ़ी अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, और ये जो शुक्र है वो आपके लिए कुछ क्रिएटिव स्किल आपको देगा जिससे आप अपने काम को अच्छे से कर पाएं। तो 4th हाउस का शुक्र होने से आपके लिए हम कहें कि सुखों में वृद्धि करेगा। घर से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य हैं, धन से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं, उनमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा शुक्र के गोचर का। इसके बाद हम आते हैं आपके 2nd हाउस में, जहां वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि में मंगल अपनी ही राशि में रहने वाले हैं केतु के साथ, तो ये जो स्थिति है मंगल की वो अच्छी नहीं कही जा सकती यहाँ पर। हालांकि मंगल अपनी खुद की ही राशि में है, लेकिन आपकी जो वाणी होगी वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है। खान पान को लेकर आप बहुत ज़्यादा अनियमित हो सकते हैं, आप किसी के साथ भी गाली गलौज वगैरह कर सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। साथ ही इस समय में आप जो धन की बचत है वो करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और ये जो समय रहेगा आपके लिए इसमें आप कोई भी अवैधानिक जो तरीका है, अवैध जो तरीका है वो ना अपनाएं बचत करने के लिए। इसके साथ ही साथ आप खान पान के लिए भी यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत के अकॉर्डिंग
जो भी अच्छी वस्तुएं हैं सेहत के लिए, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, सेहतमंद जो खाना है वो आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ अपनी जो वाणी है उसकी उग्रता को भी आपको दूर करना होगा। और यहाँ पर केतु के होने से ये दिखाता है कि आपको धन की कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी और आप में धन के लिए एक तड़प रहेगी, तो आपको इस सारी जो समस्या है इससे निपटना होगा। साथ ही साथ फैमिली के साथ थोड़ा सा आपका जो व्यवहार है वो ज़्यादा ख़राब रह सकता है ये समय में, तो इस प्रकार से आपके लिए मंगल रहेंगे। साथ ही क्योंकि मंगल हैं वो सेकंड हाउस में रहने से, मंगल हैं सप्तमेश, सप्तमेश का ये जो सेकंड हाउस का गोचर है इसकी वजह से आपको बिजनेस में काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है, पर मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब कही जा सकती है। साथ ही साथ ये जो समय रहेगा आपका साल के शुरुआत का, इसमें पार्टनर के साथ कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है, या तो कोई लड़ाई झगड़े की वजह से, या कोई आपने पार्टनरशिप की थी बिजनेस में और वो टूट जाती है तो उसके बाद आपको नुकसान होता है, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। तो ये जो समय रहेगा शुरुआत में, इसमें कोई भी पार्टनरशिप करनी है, किसी के साथ भी मिलकर कोई कार्य करना है तो बहुत सावधानी से आपको करना होगा। इसके बाद हम आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस के स्वामी हैं गुरु। गुरु पंचम में गोचर करेंगे, तो आप अपनी एजुकेशन के लिए और अपनी संतान पक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे। ये समय में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, जो लोग निसंतान हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये साल की शुरुआत। और यहाँ हम कह सकते हैं गुरु का जो पंचम का गोचर है आपको काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में भी अच्छा है, संतान पक्ष के लिए भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही आपको अच्छे प्रेम संबंध देगा और धन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। तो गुरु का जो गोचर है इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, आप में जो ज्ञान है उसका संचार होगा और संतान के साथ अच्छे संबंध रहेंगे अगर आपकी ऑलरेडी संतान है। साथ ही साथ गुरु का ये गोचर क्योंकि काल पुरुष की जो लाभ स्थान की राशि है 11 नंबर इसमें होगा, तो इस स्थान की आपके लिए वृद्धि होना निश्चित है। साथ ही देखिए गुरु का गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है 2022 में। गुरु गोचर करेंगे 13 अप्रैल से मीन राशि में, तो अप्रैल तक यहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद ये आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे, लेकिन अपनी ही राशि के रहेंगे, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गुरु के यहाँ होने से। आप अपने जो लोन वगैरह का जो कोई कार्य है या कोई विवाद है उसको अच्छे से निपटा पाएंगे। लेकिन कई बार अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं हैं, गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं कुंडली में, तो ऐसी स्थितियाँ भी क्रिएट कर देते हैं जिसमें आप कहीं से धन उधार लेकर अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका सिक्स हाउस है, वो आपका कार्यस्थल है और ये कार्यस्थल का गुरु रहेगा, तो आपको गुरु काफ़ी अच्छा नॉलेज देगा, काफ़ी अच्छा तौर तरीके से आप अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे और आपके जो साथ कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ ये गुरु आपको एक अच्छा संयमित रूटीन देगा, आपका रूटीन काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ये समय में आपकी ट्रेवल भी काफ़ी हो सकती है लेकिन, और बिल्कुल एक तरह से आपको रेगुलर काम करना होगा। ये गुरु जो कि थर्ड हाउस का स्वामी है, थर्ड हाउस का स्वामी होने की वजह से जब ये गुरु मेन राशि में आएंगे तो आपको अपने कार्य में रेगुलर रहना है, मेहनत करनी है। साथ ही साथ आप अगर कोई सरकारी जॉब में हैं तो आपको और अच्छा लाभ मिल सकता है गुरु के इस गोचर का। साथ ही आपको अपने से उम्र में जो बड़े लोग हैं उनसे काफ़ी मदद यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा गुरु का ये जो गोचर रहेगा सिक्स्थ हाउस में, उसकी वजह से आपके लिए फॉरेन से भी कुछ अच्छे लाभ के संकेत मिलेंगे। फॉरेन से अगर आप जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गुरु के होने से थोड़ा बहुत खर्चा भी आपका होता रहेगा, कोई ना कोई हेल्थ को लेकर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती ही रहेगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस का गुरु, तो आप अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी भी कार्य में, कोई डिले नहीं होगा, आपके सभी कार्य हैं वो समय पर बनेंगे। इस समय में आप कोई अच्छा कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, इस समय में आपकी अच्छी जॉब लग सकती है, तो ये गुरु काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं मेन राशि के। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के स्वामी शनि की। देखिए शनि का गोचर आपके फोर्थ हाउस में ही रहेगा वर्ष 2022 के स्टार्टिंग में,
लेकिन शनि जो यहाँ फोर्थ हाउस का है, ये कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पर इसने काम दिया होगा, अपने भवन निर्माण से संबंधित या कोई अन्य ऐसा कार्य आपको दिया होगा इस गोचर में, और आपको जॉब में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करवाई होगी। लेकिन 2022 का जो समय रहेगा, 29 अप्रैल तक शनि रहेंगे अपनी खुद की राशि में, इसके बाद ये आएंगे अपनी कुंभ राशि में, आ जाएंगे आपके पंचम हाउस में। तो पंचम हाउस में आने से आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे शनि, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो माता जी हैं उनको हेल्थ में भी प्रॉब्लम कर रहे थे, काफ़ी सारे कार्यों में आपको रुकावट डाल रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे कोई अन्य ऐसी दिक्कत हो आपको जो घर से रिलेटेड हो। तो शनि का जो पंचम का गोचर होगा, हालांकि संतान में थोड़ी लेट उसके बाद हो सकती है अप्रैल के बाद, लेकिन यहाँ पर शनि का आना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा मकर राशि की तुलना में। तो शनि यहाँ पर आने के बाद शनि का जो गोचर होगा 29 अप्रैल से कुंभ में होगा, और उसके बाद ये 12 जुलाई को मकर में जाएंगे। तो यहाँ पर शनि का गोचर है वो संतान पक्ष से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और अन्य किसी लाभ के कार्य से संबंधित थोड़ी डिले ज़रूर करवा सकता है, पर ये शनि आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। ये देखेगा आपके लाभ स्थान को, तो लाभ में वृद्धि जरूर होगी भले ही थोड़ी देरी से हो। साथ ही साथ आपको लीगल कार्य करने चाहिए शनि के इस गोचर में, जैसे आप जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह इन सब में ना पड़ें। इसके अलावा शनि का ये गोचर रहेगा तो आपकी एजुकेशन में कोई आप बदलाव कर सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई नया डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग कोई टेक्निकल लाइन से जुड़े हैं, कोई इंजीनियरिंग की लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए शनि का गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही शनि के यहाँ होने से आप डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे और कई बार बहुत ज़्यादा डिले भी कर देंगे अपने डिसीजंस को। संतान के साथ थोड़े से संबंधों में आपके कटुता जरूर आ सकती है, पर धन की वृद्धि होगी, लाभ की वृद्धि होगी, चाहे भले ही आपको देरी से हो। तो शनि का ये जो रिजल्ट रहेगा कुंभ का, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि 2022 में वक्री भी रहने वाले हैं, 5 जून 2022 को ये वक्री होंगे और 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी हो जाएंगे। तो इनका जो वक्री काल रहेगा 100। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुध की। बुध आपके 9th हाउस के स्वामी हैं और बुध का गोचर स्टार्टिंग में आपके लिए मकर में ही रहेगा। तो मकर का जो बुध है आपको काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस देगा, घर के जो भी कार्य हैं, प्रॉपर्टी के जो भी कार्य हैं, उनमें आप अच्छी तरह से अपनी भागीदारी निभाएंगे और अच्छे से उन कार्यों को आप कर पाएंगे। इसके साथ ही बुध देखेगा आपके 10th हाउस को, 10th हाउस को देखने से आपके लिए ये समय जॉब के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, हाजिर जवाब होंगे अपने कार्य में। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बुध उनको भी बढ़ाने वाले हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो वाणी के माध्यम से ही ज़्यादा होता है, तो आपको बुध यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने वाले। साथ ही आप कोई किसी से कंसल्ट कर रहे हैं या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम है या फिर कोई भी ऐसा मैटर है जो मैनेजमेंट का है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कार्य कर पाएंगे। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो भी आप काफ़ी अच्छे से बुध के इस एस्पेक्ट की वजह से अपना कार्य ठीक से कर पाएंगे। तो बुध का गोचर शुरू में मकर में रहेगा, 6 मार्च से फिर कुंभ में ये आ जाएंगे, तो पंचम में आ जाएंगे। पंचम में आने के बाद आपके लिए बुध और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये एजुकेशन में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ एजुकेशन के अलावा, हालांकि संतान पक्ष में आपको ज़रूर थोड़ी कमी करेंगे, तो संतान से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है आपको। इसके अलावा बुध के यहाँ होने से आपका जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप हर जो डिसीजन लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सोच समझकर विचार करेंगे और तब जाकर आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो ये जो बुध आएगा पंचम में, आपकी जो एनालिटिकल स्किल है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर आपकी सोचने समझने की, कैलकुलेट करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। साथ ही बुध यहाँ से लाभ स्थान को देखेगा तो आपके लाभ में, धन में वृद्धि जरूर करेगा। साथ ही आपको शेयर मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह से पैसे अच्छे खासे मिल सकते हैं इस गोचर में। तो बुध का ये गोचर अच्छा रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये गोचर रहने वाला है, क्योंकि बुध आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे, जिससे आप जो भी स्टडी करेंगे उसको आप अच्छे से याद रखवाएंगे, तो आपकी जो मेमोरी है वो भी बढ़ेगी बुध के पंचम में होने से। साथ ही साथ आप किसी मैथ जैसे विषय में हैं, कोई मैनेजमेंट का आपका अगर सब्जेक्ट है, तो काफ़ी अच्छा कार्य आप कर पाएंगे कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में
बहुत अच्छा ये बुध का गोचर रहने वाला है। साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बुध जो कि फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो इस वजह से आपका कहीं पर घर से दूर जाने का चांस भी बन सकता है, और क्योंकि ये 9th हाउस के स्वामी भी, तो दूर की यात्रा ज़रूर करवा सकते हैं आपको फोर्थ में रहते हुए। इसके बाद हम आते हैं सीधा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस के स्वामी चंद्रमा है जो शुरुआत में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो ये जो समय रहेगा आपका उसमें आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और काफ़ी अच्छे से अपने जॉब में आप प्रदर्शन कर पाएंगे, अपना काम समय पर कर पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं सूर्य पर। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और सूर्य का जो गोचर रहेगा 14 जनवरी तक धनु राशि में सूर्य रहेंगे, तो 3rd हाउस में सूर्य का गोचर आपको काफ़ी हेल्प करता रहेगा, आपका साहस बढ़ाता रहेगा यहाँ पर सूर्य, और आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी देता रहेगा। हो सकता है जहाँ तक सूर्य का गोचर जब तक धनु में रहेगा आपके भाई बहनों के साथ थोड़े से कटु संबंध जरूर हो सकते हैं, हो सकता है आप उनके ऊपर हावी रहें, अब अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों पर भी थोड़ा हावी होकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ से आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो पावर है, बॉडी की जो पावर है उसको बढ़ाने वाले, तो आप बहुत अच्छे से हर कार्य के प्रति यहाँ पर पूरी तरह से समर्पित रहने वाले। तो सूर्य आपको यात्राओं से लाभ देगा, किसी प्रकार की कोई यात्रा करनी है, आपको बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए यात्रा करनी है, तो काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है। साथ ही सूर्य आपको दूर की यात्राएं भी दे सकते हैं, तो सूर्य आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं शुरुआत में। इसके साथ ही हम बात करते हैं अब राहु के बारे में। देखिए राहु का गोचर आपके लिए रहेगा अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव का जो राहु है वो आपको काफ़ी यहाँ पर तकलीफ देने वाला है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देने वाला है आपको। ये प्रॉपर्टी से संबंधित, धन से संबंधित गेन अचानक करवा सकता है, कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ में घट सकती है जिसकी वजह से आने वाले समय में आपकी लाइफ एकदम से बदल जाए, धन की या तो बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है या धन आपका कहीं खो भी सकता है। साथ ही साथ आपकी जो खान पान की आदतें हैं उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, फैमिली संबंधी इश्यू रह सकते हैं। इसके अलावा राहु का अष्टम में होने से आपका जो हम कहें कि जो एक तरह से स्पिरिचुअल पावर है आपकी, या आपके जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और राहु आपको इंटरेस्ट देंगे अकल्ट में, रिसर्च में, तो रिसर्च जैसा विषय है आपके पास कोई, या फिर कोई अकल्ट का कोई आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, शोध से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं, और आप फॉरेन भी जा सकते हैं, तो ये राहु आपसे रिसर्च करवाएगा। साथ ही ये 2 नंबर में है तो आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है अपने अपने पिता की संपत्ति के द्वारा या फिर आपके इन लॉज के धन द्वारा, तो इन लॉज से हालांकि संबंध कई बार बिगड़ेंगे भी, पर यहाँ पर धन लाभ के संकेत भी मिलते हैं। राहु यहाँ पर आपको एक्सीडेंट वगैरह या किसी बहुत ऊंचाई वाले स्थान से नीचे गिरा सकता है, तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना होगा। उसके बाद राहु जाएगा मेष राशि में। राहु 12 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12 अप्रैल 2022 को ये आएंगे। इसके बाद आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाली है। अगर कोई किसी के साथ आपने पार्टनरशिप कर रखी है, बिजनेस चालू कर रखा है, तो पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। मेष का राहु आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु काफ़ी अच्छा बैठा हो तभी पॉसिबल है कि आपको राहु थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट दे दे, अदरवाइज यहाँ पर राहु का जो रिजल्ट रहेगा आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो राहु जब मेष में आएंगे तो आपके पार्टनरशिप में आपको एकदम क्लियर करके रखेंगे। आप अगर अकेले ही कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप काफ़ी मेहनत करेंगे और अच्छे से आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो राहु किसी प्रकार की पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होने के लिए आपको यहाँ पर अलाउ नहीं करने वाले। साथ ही ये जो राहु रहेगा आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, सेल्फ डिपेंड बनाएगा। राहु आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्किल देगा बिजनेस करने की, और ऐसे विचार देगा, काफ़ी सारे ऐसे विचार आपको थॉट देगा जो बिजनेस आइडियाज जिनको हम कह सकते हैं। साथ ही साथ ये मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। राहु का सप्तम का जो गोचर है इसकी वजह से हो सकता है आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई बिल्कुल ना हो, उनके साथ आप लड़ाई झगड़ा करें और आपका पार्टनर भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार आपके साथ करें, तो मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। साथ ही केतु गोचर करेंगे आपके लिए आपके लगन या राशि स्थान में, तो केतु का ये जो गोचर रहेगा इसकी वजह से आपको चाहिए कि आप
जो कुत्ते हैं, जो गली के कुत्ते, या फिर उनकी सेवा करें, या फिर आप किसी मंदिर में कोई ध्वजा दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो केतु रहेगा लगन में तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा, आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने लगेंगे, तो ऐसा ना करें। आप बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ केतु का लगन में होना ये दिखाता है, यहाँ पर राशि स्थान या लगन में होना, कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करेंगे, आप किसी की भी बात को मान लेंगे, आपका अपना कोई मत नहीं होगा, और ऐसी अगर कंडीशन होगी तो आप बिल्कुल गलत डिसीज़न ले सकते हैं। साथ ही आप जो फ्यूचर में कार्य करने वाले हैं उनको किसी को भी ना बताएं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो केतु का लगन या राशि स्थान में आना स्पिरिचुअलिटी देगा और बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आप एक साधु की तरह इस समय में रहेंगे राहु का जब तक गोचर रहेगा सप्तम में तब तक। तो ये राहु और केतु, यहाँ पर राहु है जो आपको सेल्फ डिपेंड बनाने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएगा, और डिपेंड करता है अगर आपको राहु की दशा भी चल रही है तो और भी यहाँ पर राहु के रिजल्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब जिस भी ग्रह की आपको दशा चल रही होगी उस ग्रह के जो रिजल्ट हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं आपके लिए वर्ष 2022 की शुरुआत में काफ़ी अच्छा समय रहेगा। कुछ संतान वगैरह को लेकर दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं, संतान प्राप्ति भी होगी, और कुछ धन को लेकर जो कार्य हैं वो अच्छे से बनेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य बनेंगे। साथ ही साथ जॉब में भी आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, मैरिड लाइफ से संबंधित इश्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं आपको 2022 में। तो इस प्रकार से ये साल आपका 2022 रहेगा तुला राशि और लगन।